पे सेलिब्रिटी हैं वो समय समय पर आप यहाँ पे आते रहते हैं, ये जैसे अमीषा पटेल, रेमेडी सूजा, द ग्रेट खली, ये सब हरपाल भी यहाँ पे आके और लस्सी पी गए हैं। लस्सी बहुत ही बढ़िया है। कौन कौन सी ट्राई करी आपने? अभी ये मलाई लस्सी है। पेटे वाली नहीं ट्राई की है, बट ये की है फिलहाल तो यही करी है, बट ये बहुत बढ़िया है। इसकी काफ़ी जो मलाई है वो काफ़ी बहुत बहुत बढ़िया है, रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, एक लस्सी पी लो बस, 4-5 घंटे आराम से, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, और बहुत ही बढ़िया है। या अगर आप अमृतसर आओगे तो ज्ञानी पंजाबी लस्सी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। अच्छा, ये इसी में से ये निकाल रहे हैं, इसमें से निकाल के इसको दोबारा इसमें डाल रहे हैं बैठने के लिए। देखिए भर भर के इसमें ये जो है मक्खन डाला जा रहा है, ये जो है ये पेड़े वाली लस्सी है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हैं अभी अमृतसर के टूर पे, और आज हम आए हैं अमृतसर में ओल्डेस्ट लस्सी इन अमृतसर। ये है रोड है जो गागरमल रोड, और इधर से हम आते हैं तो ये है कटला सागर सिंह गागरमल रोड। और यहाँ पे क्या है कि दो दुकानें हैं यहाँ पे, ज्ञानी दी लस्सी और ज्ञानी पंजाबी लस्सी। तो मैंने काफ़ी यहाँ पे आसपास पूछा है तो पता लगा है कि ये जो फर्स्ट वाली शॉप है कॉर्नर वाली, यही वाली है सबसे पुरानी लस्सी है, जो पुरानी शॉप है यही वाली है। तो आज हम आपको पिलाएंगे पेड़े वाली लस्सी। मैं गुरिंदर सिंह, ज्ञानी पंजाबी लस्सी तो साड़ी दुकान जी सिंस 1927 तो साड़ी इस काम के भी फोर्थ जनरेशन आ गई। 6-7 तरह की लस्सी साढ़े को, पेड़े वाली है, पंजाबी लस्सी है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, नमकीन भी है। रबड़ी है। अच्छा, रबड़ी भी है। हाँ जी, थोड़ा ही मक्खन कड़ी मक्खन कड़ के फिर दही पाता, दही मिक्स पेड़े वाली जी 90 रुपए की है, पंजाबी लस्सी जी 50 की है, बाकी स्ट्रॉबेरी मैंगो चॉकलेट ये देखिए जी, ये लस्सी जो बड़े से मटके में है ये इसमें बन रही है, ये कितनी बनती है एक बार में इसमें? 40-50 गिलास है सर। ये 40-50 गिलास है। ये देखिए जी, ये चले गए हैं पेड़े इसमें, अब ये पेड़े में से मक्खन निकाला जाएगा। ये एक लस्सी में दो पेड़े डालते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बर्फ डाली जाएगी, ये बर्फ डालनी जरूरी होती है मक्खन ठंडा करने। अच्छा, मक्खन इकट्ठा, ये मक्खन इकट्ठा करने के लिए इसमें बर्फ डालनी बहुत जरूरी है, कंपलसरी है ये। ये पेड़े को घोट के और उसमें से ये मक्खन निकला है। अब ये इसमें ये शक्कर डाल दी गई है, दही डाला है और साथ में इसमें शक्कर डाली है, और इसको अच्छे से घोटा जा रहा है। ये बर्तन का है क्या? ये पीतल का। अच्छा, पीतल का ये लोटा है जो। ये क्या डाल रहे हो?
ये जो अपने उस पेड़े में से ये पानी पानी डाल रहे हैं उसका, ये जो पेड़े में से जो पानी था ये पानी पानी डाल रहे हैं, और जो ये मक्खन है ये इन्होंने उसी में रख लिया है। ये जो ये इन्होंने इधर रख लिया है, और पानी जो इसका था वो इन्होंने लोटे में डाल लिया। और ये होगी तैयार, ये हमारी लस्सी होगी पेड़े वाली तैयार। और ये डल रही है इस पे मलाई, और ये वाला वो वाला मक्खन जो पेड़े में से मक्खन निकला था वो मक्खन इसके ऊपर डाल दिया। तो ये देखिए ये हमारी लस्सी आ चुकी है पेड़े वाली। ओए होए 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 होए, मजा ही आ गया। 90 रुपए का गिलास है ये, मजा आ गया। मलाई मलाई और बटर ही बटर और मावा ही मावा। तो एक लस्सी है ये इतनी हैवी है कि एक गिलास अगर आपने पी लिया तो 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी आपको। फिर ओपन फॉर्म है, 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी। देखो हर चम्मच में मलाई भर भर के आ रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लस्सी है। एक बार जब भी अमृतसर आओ तो यहाँ पे एक बार जरूर आओ, ज्ञानी दी लस्सी। इसकी लोकेशन जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए लस्सी कैसी लगी। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है, मज़ा आ गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।